ही हो गया। दो लोग हैं, मैं कई लोगों को बोला भाई मेरा नहीं घुसता है, आप लोग आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, कभी वो बाजू वाला था उसको पता नहीं, वो मेरे पास आके शिकायत करते हैं डॉक्टर साहब ये प्रैक्टिस करते हैं आपका घुसता नहीं, कभी उनको बोले नहीं। मैं कई चीजें ऐसे फेस करता हूँ रोजाना एवरीडे, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सेल्फिशनेस खत्म कर दो आपके पास, जो सेल्फिशनेस आपके पास है ये मैं अच्छा रह गया तो बस, मैं प्रैक्टिस कर लिया तो बस, आगे कोई नहीं करना, ये निकालने को नहीं पड़ रहा है। पहली चीज हमारे हमारे अंदर से जो निकालने वाली चीज है ये पहली चीज है, पहले ये निकाल रहे हैं आप जो अल्लाह ने जिसको रिस्क दिया है और जो देगा उस पर आप यकीन नहीं, पहले आपको ये यकीन होना है कि जो रिस्क अल्लाह ने दिया है आपको वो आपकी तकदीर में लिख चुका है, उतना ही मिलेगा जितना कोशिश कर लें, पूरी एड़ी छोटी का जोर लगा ले, आपको जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, ये तकदीर लिख चुकी है आपकी, इस पर कोई जोर आएगी तो आप इस पर भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, आप बताइए भरोसा करते हैं नहीं करते हैं, आप करना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान है तो आप पर ईमान ले रहना चाहिए कि मुझे जो रिस्क अल्लाह दे रहा है और देगा आगे चलकर ये तय है लिख चुका है, तो आप क्यों फिक्र करते हैं दूसरे कुछ करने के बाद उस अगर वो कमाता है नहीं कमाता है ये सब उसकी अल्लाह के हाथ में है, उसे कितना रिस्क देना है कैसे देना है ये सब तय हो चुका है, आपके जरिए कुछ नहीं हो रहा है, आप एक जरिया बन रहे बस, उसके जरिए उसको पहुंच रहा है बस, लेकिन आप कुछ अपना जान का कुछ नहीं दे रहे, ये अल्लाह की तरफ से तय है। मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं कि एक अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक सहाबी बैठे हुए थे, मैं काफी से थोड़ा हट के जा रहा हूं फिर आ जाऊंगा बाकी पे दो मिनट के लिए। उस दौर में एक सहाबी बैठे हुए थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्द दे रहे थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी हराम से कमाना चाहता है अगर वो जो आदमी हलाल से कमाना चाहता है अगर वो हराम में नहीं कमाया तो उसको वही मिलेगा जो हलाल से खाएगा। तो वो सहाबी बैठे हुए सुन रहे थे पीछे, तो उन्होंने सोचा वो एक चोर थे मतलब चुराने का काम था उनका, रोजाना जाकर चुराना घरों में वो काम था उनका जो बैठे हुए थे, उन्होंने सुनकर के हैरान रह गए कि मैं चोरी करके कमा रहा, रोजाना मेरा पेशा तो चोरी है और मैं अगर हलाल से कमाऊं तो मुझे उतना ही मिलेगा जो चोरी कर रहा हूं, तो मैं आज से चोरी छोड़ दूं क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो बात बिल्कुल सही है, उसमें कोई इख्तलाफ की बात ही नहीं है, कोई ये उसके अंदर है दो राय बोल नहीं सकते। तो उस सहाबी ने उसको उसी वक्त से चोरी छोड़ दी, चोरी छोड़ दी, तो छोड़ कर इरादा कर लिया और फिर नासम कर लिया कि ये हाथ से भी छुड़ाऊंगा नहीं, तो उनका काम था वो पेशा था चुराने का, तो जैसे ही वो रात को उठते थे तो फिर रात को उठना पड़ा उनको, भूल गए जो वादा किए थे, जो वादा किए थे वो भूल गए, फिर रात में उनका मामूल था उनका उठने का, तो रात में उठे फिर भी आधी रात को उठते हैं मामूल था उनको जाने के लिए, उस जमाने में तो छोटी छोटी दीवारें होती थी वो बस एक फराक लगाए तो आपका कहना बहुत अच्छा है, उस जमाने में तो ऐसी बिल्डिंग नहीं होती, तो जैसे उठे तो मालूम हुआ कि ये अब टाइम हुआ है जाने का तो लेके जाना है, तो निकल पड़े सामने वाला घर था खुद गए करके अंदर करके अंदर जाना पड़ेगा, तो चीजें वगैरह रखी हुई थोड़ी, तो उन्होंने सोचा भूख भी लग रही थी उनको रात का वक्त था कुछ खाए नहीं थे, तो खाना कुछ बन चुका था तो उसकी भूख भी आ गई थी उनको, तो उन्होंने सोचा कि पहले खाना खा लेंगे क्योंकि जो खाना रखा हुआ है उसके बाद फिर चुरा लेंगे फिर चले जाए, तो जो खाना था उसको खाने को खाने के लिए आगे बढ़े, तो उससे जब आगे गुजरे आगे बढ़े तो थोड़ी दूर में एक औरत सो रही थी, तो उसकी वो जो साड़ी थे वो नजर उनकी पर पड़ी, तो अकेली औरत थी रहती थी कोई साथ में मौजूद नहीं था शौहर वगैरह कोई नहीं था उसका, तो देखा कि ये सामने औरत भी है इधर खाना भी है और माल भी है, तो सोचे कि पहले
खाना खा ले, उसके बाद चुरा ले, फिर उसके बाद जो बेकार नचार पता करके हम निकल जाए। तो ये सोच ही रहे थे, उनके दिमाग में चल ही रहा था, इतने में वो बात याद आ गई जो वादा उन्होंने किया था मस्जिद नबवी में बैठ के। मस्जिद नबवी में बैठ के जो अल्लाह के रसूल के दस्त में बैठ के जो चीज सोच रहे थे वो याद आया। तो फौरन गए, जैसे ही याद आया तो फलांग लगाया, फलांग लगा के बाहर निकला, निकल गए बाहर आ गए और बोले कि मैं तो तौबा कर चुका हूं, मैं कैसे कुछ कर सकता। तो जैसे ही बाहर आए और जाके फिर मस्जिद नबवी में जाके बैठे, फिर जाके वही यहां पर बैठे हुए थे, दूसरे दिन वहां पर जाकर बैठे। तो फिर अगले दिन का दस था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस था अगले दिन का। तो वो औरत जब ये फलांग लगाकर वापस गए तो उस वक्त वो औरत खुशा हो गई नींद से जो सो रही थी, उसने देखा कि कोई चोर आया हुआ है, आते गया है, सिर्फ मुहासिबा करते गया है, कैसे चुराना क्या करना है, प्लानिंग करते गया है, कल आके जरूर चुराया, ये उसके दिमाग में चल रहा है, कुछ भी नहीं चुराया है, प्लान किया है चुराने के लिए, इस वजह से जो है ये सब चीजें वो प्लान के तहत कम काम करके गया है, तो कल आके चुरा है। तो ये औरत निकली, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आई और शिकायत करने लगी कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे दरवाजे पर एक दरबान लगा दीजिए, बुरका लगा दीजिए, क्योंकि कल एक चोर आके मेरे घर पे आके मुहासिरा करके गया, मतलब ये मुशायरा करके गया है कि कैसे चुराना है क्या करना। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा,